महाराज श्री, हमारा जन्म जैन कुल में हुआ है। वह हमें बचपन से ही हमारे घर में और मंदिर में अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ाया गया है। जब हम स्कूल गए और कॉलेज गए तब हमें महात्मा गांधी की थ्योरी के द्वारा अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया कि यदि कोई एक गाल में चाटा मारता है तो दूसरा गाल भी उसके आगे कर दीजिए। आजकल जो देश और दुनिया में जो चल रहा है महाराज, मुझे आशंका है कि कहीं यह अहिंसा पथगामियों के लिए हिंसा का कारण न बन जाए। और जब हम ही नहीं रहेंगे तो हम क्या देश और क्या धर्म। ओ, आपके सवाल को मैं समझ लिया जो आप कहना चाह रहे हैं। क्या हम मेरी बात सुन लो, समझ लिया, ज्यादा विस्तारित की जरूरत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत लंबी लाइन है। आपने जो सवाल किया, ये सवाल केवल इसलिए उठा कि आपने अहिंसा के स्वरूप को ठीक तरीके से समझा नहीं। यदि अहिंसा के स्वरूप को ठीक तरीके से या अहिंसा की अवधारणा को सही ढंग से समझा होता तो ये सवाल ही नहीं उठता। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने अहिंसा का उपदेश दिया और चींटी से लेकर हाथी तक हर प्राणी के प्रति सदा व आचरण करने का उपदेश दिया और कहा किसी का वध मत करो। लेकिन उन्होंने अहिंसा के दो स्तर बताए, एक महाव्रत और एक अनुव्रत। महाव्रति के लिए यदि कोई गर्दन काटने भी आ जाए तो उफ न करें क्योंकि उन्हें पता है मुझे कोई मार ही नहीं सकता, मैं अजय अमर अविनाशी आत्म तत्व हूँ, और वह उसको भी क्षमा कर दे। लेकिन अनुव्रति के लिए ऐसा उपदेश नहीं दिया गया। अनुव्रति के लिए केवल संकल्प हिंसा का त्याग कराया गया। मैं अपने स्वार्थ, मनोरंजन, स्वाद लिप्सा या अन्य किसी प्रयोजन वश किसी का घात नहीं करूंगा। लेकिन आपके द्वारा रोज खाने पीने नहाने धोने में भी तो हिंसा होती है, व्यापार धंधे में भी तो हिंसा होती है। इसे व्याप और आरंभी और उद्योगी हिंसा की श्रेणी में रखा गया है जो आपके लिए क्षम है क्योंकि उसके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता। चौथे क्रम की हिंसा है विरोधी हिंसा, जो गृहस्थ के लिए त्याज्य नहीं है। जैन धर्म की अहिंसा ये नहीं कहती कि कोई तुम्हें मारे तो तुम मार खा लो। जैन धर्म की अहिंसा कहती है न तुम किसी को मारो न किसी के मार खाओ। और यदि कोई तुम पर अस्त्र उठाता है तो तुम उसका माकूल जवाब दो, साम दाम दंड भेद। विरोध हिंसा क्षम है, वह हिंसा कर नहीं रहे, करनी पड़ रही है। रामचंद्र जी ने रावण के विरुद्ध अस्त्र उठाया, ये विरोधी हिंसा थी, बड़ा रक्तपात हुआ। क्या रामचंद्र जी जैन नहीं थे? अगर रामचंद्र जी ने ये सोच करके कि अब सीता के चक्कर में युद्ध करूंगा, महान रक्तपात होगा, अधर्म होगा, तो रामचंद्र जी जैन नहीं होते, वो कायर हो जाते, महापुरुष नहीं होते, वो कायर हो जाते। लेकिन ये हमारी संस्कृति का आदर्श नहीं है। हमारी संस्कृति कहती है किसी के ऊपर आक्रमण मत करो पर अपनी रक्षा में हमेशा तत्पर रहो। हम ऑफेंसिव न बने पर डिफेंस में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हम अपने अतीत के इतिहास को पलटकर देखें तो पाएंगे जैनियों के बीच अनेक वीर योद्धा राजा महाराजा हुए जिन्होंने समय पर प्रतिक्रमण भी किया और युद्ध की भूमि में रंड मंड चंड कर दिया। ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं। तो जैन धर्म वीरों का धर्म है, कायरों का नहीं। जय हो महाराज। जहां जरूरत हो वहां अस्त्र उठाना, लेकिन एक हिदायत के साथ, जहाँ सुई से काम चले वहाँ तलवार उठाने की गुस्ताखी मत करना।
जहाँ जरूरत हो, तुम्हारे व्यक्तिगत, तुम्हारे पारिवारिक, तुम्हारे कौटुंबिक, सामाजिक और राष्ट्रीय, सांस्कृतिक या धार्मिक अस्तित्व पर कोई चुनौती, तुम्हारी अस्मिता पर कोई चुनौती आ जाए, तुम्हारे सत्व पर कोई संकट खड़ा हो जाए, तो उसका प्रतिकार करना तुम्हारा धर्म है, ये कर्तव्य है। यहाँ हिंसा की नहीं जाती, करनी पड़ती है। विरोधी को सबक सिखाना तुम्हारा धर्म है। हमारे अनेक तीर्थंकरों ने भी बड़े बड़े युद्ध लड़े, चक्रवर्ती भी बने, वर्षों युद्ध किया। उनका उद्देश्य किसी की राज्य को हड़पने का नहीं रहा, पर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर सुराज्य की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी रही, जो उनका राज धर्म था। एक बात आप सबको बताऊं, जैन पद्म पुराण में एक बहुत ही अच्छी बात लिखित है। वहां लिखा कि कोई योद्धा अगर रणांगण में युद्ध करने के लिए जाता है, तो एक और घर में विजय का सेहरा लेकर उसकी पत्नी प्रतीक्षारत रहती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग में सुरांगना। अगर कोई युद्ध में जीत का लौटता है, तो उसके पत्नी उसकी सिर पे सेहरा पहनाएगी, और हार गया तो वीर गति को प्राप्त होगा, स्वर्ग की सुरांगना उसके सिर पर अपना सेहरा लगाएगी। ये समझने की बात है, समझ गए? तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और ऐसे जैन वीरों से हमारे अनेक आख्यान भरे पड़े हैं। अनेक आबू का जो सेनापति था वो जैन था, खुद भामाशाह जिसने राष्ट्र पर संकट आने पर सब कुछ राणा प्रताप के लिए समर्पित कर दिया, और खुद राणापति का सेनापति बनकर, राणा प्रताप का सेनापति बनकर युद्ध किया, अपने तीक्ष्ण भालों से कितने शत्रुओं का संहार किया। तो जब जरूरत पड़े तो वो काम करो, मौका आए तो एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला भी रख करके चल सकते हो। यह अहिंसा का सिद्धांत, पर किसी को सताने के लिए नहीं, धर्म का सुशासन बनाए रखने के लिए, धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, राष्ट्र के अस्तित्व और अस्मिता को बचाने के लिए। और भारत का यही आदर्श रहा है, आज तक भारत ने कभी आक्रमण नहीं किया। इस भारत की वसुंधरा पर अनेक विदेशी शक्तियों ने और आक्रांताओं ने आक्रमण किया, पर भारतीयों ने बड़े जज्बे के साथ उनसे लोहा लिया, उनको उखाड़ करके फेंका। आज भी इधर उधर से जो चुनौतियां हैं, तो उसके लिए हमारा देश और देश की सैनिक सक्षम हैं, और हमें उनके लिए पूरा एकदम समर्थन देना चाहिए, क्योंकि वे समर्थ होंगे तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। हमारे देश की वास्तविकता है जिसे हमें स्वीकार करके चलना चाहिए। इसलिए बिल्कुल मत घबराइए, अहिंसक बनिए, लेकिन किसी की हिंसा को फैलने का अवसर मत दीजिए। हिंसा करना और हिंसा को फैलते देखना दोनों बराबर है। ना हमें हिंसा करना है, ना किसी की हिंसा को सहना है। अपनी शक्ति और सामर्थ्य रखते हुए ऐसा जीवन जिए कि अहिंसा की ध्वज पताका दिग्दिगंत तक फहराती रहे, ये जिम्मेदारी प्रत्येक अहिंसक की है। ऐसी सोच बनेगी तभी हम कुछ अच्छा करें।